txarrene horrakua. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज, आज मैं फिर आप सभी के लिए राइड के और निकल चुका हूँ। तो गाइज, आज का व्लॉग होने वाले है, गेहूँ पका है कि नहीं पका है तो वही मैं अपना खेत देखने जा रहा हूँ। तो गाइज चलते हैं और सच में देखते हैं कि मेरा गेहूँ पका है कि नहीं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय जू सिद्धार्थ, बाय। तो चलते हैं गाइज। तो गाइज आप सब देख सकते हैं कि सारा गेहूं पक चुका है। और गाइज आज कुछ नया रोड चलता हूँ, क्योंकि गाइज मुझको ऐसे ही रोड पसंद है। तो गाइज ग्रुप राइड का मजा भी अलग ही होता है और अकेले का मजा भी कुछ और ही अलग ही होता है, या कि मैं ग्रुप पसंद करता हूँ गाइज, या कि मैं अकेला ही मुझे अच्छा लगता है। तो इसमें खेर ही बुना चुका है। ओह नो, यहाँ पर तो सभी खेत जोता चुका है गाइस, क्योंकि इसमें गेहूं नहीं था इसलिए हो सकता है। रेडी सेडी गो। ओ गाइस हम तो फंस रहे हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ, वो इसलिए गाइस कि मेरे साइकिल की ब्रेक है ना, वो बहुत पावरफुल है गाइस। लहरी सब टच होने से ब्रेक ही लग जाता है, इसलिए मैं उस आयर पर नहीं चला पाया। फिर भी कोई गाय बात नहीं गाइस, मैं नीचे नीचे चलता हूँ। तो गाइज आप सब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटा सा जंप लग रहा है मुझे। तो गाइज चलते हैं, इसे ट्राई करते हैं कैसा होता है, अच्छा हो पाता है या नहीं, क्योंकि गाइज आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरा साथ। आप देख सकते हैं वीडियो करने वाले भी कोई नहीं है। आगे चलते हैं गाइस, आप सभी को बताया था कि मैं अपने गेहूं देखने जा रहा हूं, फिर पीछे में एक जंप छोटा सा मिल गया गाइस। तो मेरे दिमाग में आ गया कि क्यों नहीं इसे मैं छलान लगा के ट्राई करूं। तो फाइनली गाइस हमारा गेहूं के खेत में आ चुका हूं,
तो गैज ये भी पक चुका है, आप सभी देख सकते हैं कि ये गहूँ वरहा खाने के लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गैज वरहा खाने वाला गहूँ थोड़ा थोड़ा हरा होना चाहिए, पर ये पूरी काफ़ी अच्छे तरह से पक चुका है और काटने का समय भी आ चुका है इनका। तो गैज आज मैं यही देखने के लिए आया था कि मेरा गहूँ सच में पका है कि नहीं। तो गैज आप सभी ने देखा कि मेरा गहूँ पूरे अच्छे तरह से पक चुका है। अब यही गप मुझे घर में बताना होगा कि गेहूँ पक चुका है, काटने के लिए तैयार हो जाओ। तो चलते हैं गाइज, मेरे गांव में आज छोटा सा मेला लगा है, वो सीन भी मैं आप सभी को ज़रूर देख। अगर गाइज आपको बड़ा मेला देखना है तो परछावा नरहा ज़रूर जाए, क्योंकि गाइज वहाँ पे काफ़ी बड़ा मेला लग चुका है और बहुत बड़ा बड़ा झूले भी आए हैं। तो मेरा यही कहना है कि गाइज आप सभी में से कोई वो मेला नहीं गया है तो एक बार ज़रूर जाए और मेला का आनंद उठाए, क्योंकि गाइज ये जग मेला बार बार नहीं लगता है ना। तो गाइज यहाँ पर भी मुझे छोटा सा जंप लग रहा है, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो चलते हैं गाइज जल्दी जल्दी, वो इसलिए कि गाइज आप सभी को मैंने बताया था कि मेरा गांव का छोटा सा मेला है वो भी दिखाऊंगी। तो गाइज आप सब देख सकते हैं कि सांझ पड़ गया है, बस थोड़ी सी दिन बाकी है तो अंधेरा हो जाएगा तो वीडियो अच्छा नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं तो चलते हैं गाइस। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और गाइज चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज मिलते हैं अगले दिन, एवरी डे न्यू व्लॉग। तो चलते हैं गाइज, बाय।